झूठे दिलासे और उम्मीद में बहुत फर्क होता है। कल्याणी, मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ किसी डॉक्टर से, सेकंड ओपिनियन भी तो लेना होगा ना। नहीं मलाड जी, शायद से मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है माँ बनना। कल्याणी कैसी बात। मलाड, ये कैसे हो सकता है? कल्याणी ने तो कवच पहना हुआ है, फिर संपदा की आत्मा उसमें वापस कैसे आ गई? खुद का बच्चा चाहिए था ना, खुद का परिवार। ये कल्याणी भी खुद का बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन देखो ना, बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। क्या नसीब लिखा के आए हो तुम दोनों। अब तो लगता है कि कल्याणी को जिंदगी भर उस मेरे बच्चे की आया बन के गुजारनी पड़ेगी। परिवार आगे बढ़ाएंगे। अब फर्क पता चला तुम्हें मल्हार? मुझ में और उस कल्याणी में फर्क पता चला? मुझे कम से कम मैं तुम्हें एक बाप बनने का सुख तो दे पाई, एक बच्चा तो दे पाई, लेकिन ये कल्याणी, इससे तो ये भी नहीं हो पा। अनुप्रिया, कवच पहनने के बाद भी ये कैसे? कवच? कौन सी कवच की बात हो रही है? ये तावीज, ये तावीज, ये मासूम है आप लोग। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ये दो कौड़ी का कवच कल्याणी की रक्षा कर पाएगा, या फिर मुझे कुछ कर देगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, कल्याणी को छोड़ दूंगी। संपू संपू, क्या दिमाग चलाया है? नकली कवच वाले आइडिया के लिए मान गया। बस बहुत हो गया संपदा, बहुत परेशान कर लिया कल्याणी को। कल्याणी का शरीर छोड़ो। क्या कल्याणी कल्याणी लगा के रखा है? अभी क्यों, क्यों, क्या है, क्या ऐसा इस कल्याणी में? कल्याणी के साथ बच्चा चाहिए ना तुम्हें? कल्याणी के साथ बच्चा चाहिए था? अरे जब कल्याणी ये नहीं बचेगी तो फिर काय की माँ और काय का बच्चा? छोड़ो से। नहीं सपना, ऐसा कुछ भी मत करना। वे मेरे पास भी आएगा, मार दूंगी मैं कल्याणी को। नहीं, मार दूंगी मैं कल्याणी को। कल्याणी को छोड़ दो, मार दूंगी। कल्याणी, नहीं सपना, नहीं सपना, सपना, सपना। मजाक कर रही हूँ माई, मजाक कर रही हो। अरे मैं कल्याणी को इतनी आसानी वाली मौत थोड़ी ना दूंगी, उसे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं। मलार, अभी एक ही रास्ता है, इसके शरीर को बांधना होगा। एक बार ये कैद में आ जाए उसके बाद पंडित को यहां बुलाकर हवन करवा ले। थोड़ा
मुश्किल है, लेकिन यही एक तरीका है। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग मुझे। बलार, पकड़ो इसे, पकड़ो। मैंने कहा मेरे पास नहीं आना। बलार, पकड़ो इसे, मेरे पास नहीं आएगा। बलार, पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़ो मुझे, भागने मत, उसे पकड़ो। संपदा रुको, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। गन नीचे करो, पास से आना, गोली चला दूंगी। दूर, नहीं संपदा, संपदा। परमेश्वरा, ये हमारी अलमारी में बंदूक कैसे? भगवान के लिए गन नीचे करो, देखो लग जाएगी। गन नीचे करो, लौटाओ लौटाओ, नहीं तो गोली चला दूंगी। संपदा, संपदा रुको, मेरे पास से आना। दूर, दूर। संपदा ये गन मुझे दो। देखो संपदा, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, ये भी चलेगा। तुम तुम्हारी नहीं, इसकी जान लूंगी मैं। बंदूक मैंने आओ साहेब की अलमारी में छुपा दी है। बाकी तो तू अच्छे से जानती है कि तुझे क्या करना है। ये ख्याल रखना कि मल्हार की मौत का इल्जाम कल्याणी पर आना चाहिए। इस दिन का इंतजार मुझे कब से था। अब हवलदार जाएगा भगवान के पास और कल्याणी जाएगी पागलखाने, और हमारा बदला पूरा। संपदा प्लीज, देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे मोक्ष के लिए, कल्याणी के लिए जीना, और मोक्ष तो तुम्हारा बच्चा है ना। प्लीज जाने दो संपदा, ये गन मुझे दे दो प्लीज। देखो संपदा, देखो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, लेकिन ये सब छोड़ दो, ये ऐसा मत करो। अरे तुम हमारी जान लो ना, इन बच्चों के आगे तो पूरी जिंदगी है। हाथ जोड़ते हैं, हमें मार दो। उधर जा। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मेरे कोई पास नहीं आएगा। और अगर किसी ने चला के करने की कोशिश की ना, तो सिर्फ मल्हार नहीं, सबके सब मरोगे। सुना, सबके सब मरोगे। क्या टाइम पास कर रही है शंभू? मारना गुरी। अरे अब तक तो लाश पड़ी होती मल्हार की। चला। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। पंडित जी, आप आई-फाई को आशीर्वाद देने आए हो ना? पता है आई-फाई की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ बेटा, तेरे आई से ही मिलने आया हूँ, उसके लिए तेरे बाल कुमार की मूर्ति लेके आया हूँ। आइए मेरे साथ। सपना ये सब छोड़ दो, मल्हार ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। छोड़ दो ना। नहीं माही,
इसकी जान लेने का मन तो अब मैं बना चुकी हूँ। लेकिन मल्हार, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो। पुराने पति की एक आखिरी इच्छा तो मैं मरने से पहले पूरी कर ही सकती हूँ ना। चल बता, क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी? भूतनी बनने के बाद भी बेवकूफ की बेवकूफ ही रही है संभू। चल बता। संपदा देखो, चलो हम अंदर चलते हैं। चलो चलो। नहीं आजी, पहले ये बताओ कि आयफा क्या कर रही है? आयफा के हाथों में गंदी चीज क्यों है? हम सब बताएंगे, चलो पहले अंदर चलो। ए, पास से आना। आजी, आयफा के हाथ में वो गंदी चीज क्यों थी? अरे वो बंदूक ना, उसी से तो पुलिस चोर को भगाती है। पता है हमारे घर में ना चोर घुस आए थे, इसीलिए तुम्हारी आयफा उन्हें वो बंदूक दिखाकर भगा रही थी। हाँ पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? इस कवच का कोई असर नहीं हो रहा है पंडित जी। कल्याणी के अंदर संपदा की आत्मा भी है। आप कुछ कीजिए। ये कैसे हो सकता है? पंडित भाग जा यहाँ से। तो तेरी रक्षा करने के लिए कौन सा सुरक्षा कवच लाएगा तू? हाँ यही रुकना है। तुम्हारी आयफा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें आराम करने दो। हम इधर ही बैठते हैं। हम तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। नहीं आजी, मुझे आयफा से पहले मिलना है। उनके हाथों में बंदूक क्यों थी? अरे बंदूक कहा तो था, चोर को भगाने के लिए वो डरा रही थी उन्हें। हा? नहीं छोड़िए मुझे आयफा से मिलना है। मोक्ष मल्हार, अरे देखो तो, जिद मत करो। मुझे आयफा के पास जाना। मोक्ष रुको, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। क्या क्या हुआ? देखो ना, हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके आयफा के हाथ में बंदूक इसलिए थी क्योंकि वो चोर को भगा रही थी। सही तो है ना? आजी मुझे आयफा के पास जाना है। मोक्ष रुको रुको, क्या हुआ? मैंने कहा ना आपसे ऐसे जिद नहीं करते, और आजी आपसे झूठ थोड़ी बोलेगी। पक्का ना? फिर से आयफा को कुछ नहीं हुआ ना बाबा? नहीं, आपकी आयफा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे हाँ मोक्ष, हम तो भूल ही गए, हमें ना एक शॉपिंग करनी है, तुम हमारी मदद करोगी? अरे वो चप्पल खरीदनी है ना, और वो भी ऑनलाइन शॉपिंग। हमें सिखाओ ना, तुम्हें तो सब कुछ आता है, हमें सिखाओगे ना? आजी ये तो बहुत आसान है आजी, अपना फोन दो। मोबाइल? हाँ वही तो है, चलो हमें सिखाओ। आओ बैठो, इधर बैठो। ये गन तुम्हारी नहीं है तो फिर ये गन घर में कैसे आई? खतर के अलावा कौन कर सकता है ये? मल्हार साहब, ये असली कवच।
मुझे मंत्रों की शक्तियों से घर के बाहर पड़ा हुआ मिला। तो फिर जो कल्याणी ने कवच पहन रखा है वो नकली हो सकता है। बिल्कुल सही, वो कवच नकली ही था। इसका मतलब वो अथर्व ने कल्याणी को नकली कवच पहनाया। ये संपदा और अथर्व की चाल है, वो तुम्हारे और कल्याणी के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लान क्या है वो समझ नहीं आ रहा। पंडित जी लाइए, मैं कल्याणी को एक कवच पहना देता हूँ। नहीं मलार, फिलहाल ये कवच पहनाना खतरे से खाली नहीं है, और संपदा इसे उतार के वैसे भी फेंक देगी। मैं एक जान पहचान के ज्वेलर से बात करता हूँ जो इस कवच पे एक लॉक लगा देगा ताकि वो इसे उतार के फेंक ना पाए। ठीक है। मैंने मंदिर में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित कर दी है, घर का वातावरण शुद्ध और धार्मिक रखिए। ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, अब भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। शुक्रिया पंडित जी। कल्याणी आई, कुछ हुआ क्या? वो बस तुम्हें जरा सा चक्कर आ गया था इसलिए मैं यहाँ लेकर आई। तुम बिल्कुल ठीक हो कल्याणी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, बस अभी आई। संपु ही हो ना? संपु हो ना? हाँ? ए संपु, नहीं। अथर्व, तुम मुझे बार बार पहचानने में इतनी गलती क्यों करते हो? अपनी संपू को पहचानते नहीं हो क्या तुम? अरे तू भी ना संपू, क्या टाइम पास कर रही थी तू? अरे सीधा उस हवलदार को उड़ा देना चाहिए था ना। मैं तो अपना काम कर लेती, तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो पंडित वहां पे कैसे आ गया। तुम मुझे भले ही सारा काम सौंप चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान तो रखना चाहिए। अरे वो पंडित तो बाद में आया था, पहले तो मार सकती लेकिन तू लोड मत ले, तू टेंशन मत ले, मैं मलार को मैं देख लेगा, कोई नया प्लान बना लेंगे। तू बस कल्याणी पर ध्यान दे, इसे इतना परेशान कर कि ये घर वाले खुद उसे पागलखाने छोड़ कर आए। मलार को मैं देख लेगा, कोई ना कोई प्लान बना के मैं खुद खत्म कर दूंगा उसे। क्यों, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं मलार को मार नहीं पाऊंगी? अरे ऐसा नहीं है शंपू, अब इस प्लान में हम दोनों साथ में ही तो है ना, और कल्याणी का पागल होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए तू कल्लू पर ही ध्यान दे, हवलदार को मैं देख लेगा। ठीक है, तू हवलदार की टेंशन मत ले, उसे मैं खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। अनुप्रिया दीदी, मुझे आप ना बड़ा तरस आ रहा है, मतलब आप सार्थक को बचा लाई और ये केस लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्या प्रूव करना चाहती हैं जज के सामने कि आप सोलो एक केस हैंडल कर सकती हैं, इतना बड़ा केस? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कोई हैवी केस नहीं है, मैरिटल रेप का केस है। मुझे नहीं लगता आप जीत पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है अम्मी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि सार्थक पर झूठा केस बनाकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया है? तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के लिए। अब मैं तुम्हें एक बात याद दिलाती हूँ, तुम इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम सार्थक की पत्नी हो, लेकिन अब जो तुमने उन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें घर में रखेंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और एक बात, तुमने उन पर जो इल्जाम लगाया ना वो अभी तक साबित नहीं हुआ है,
और मैं साबित होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि कोर्ट में ये मैं साबित करूंगी कि तुम भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं हो। कैसे तुम पराए मर्द के साथ भाग गई थी, कैसे मिसकैरेज होने के बावजूद तुमने प्रेगनेंसी का नाटक किया था, है ना? तो ऐसी झूठी औरत पे कोर्ट तो विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मैं चाहूँ ना तो ये केस मैं अभी के अभी खारिज कर सकती हूँ। और सार्थक का क्या है अम्मी, उन्हें तो मैं मेडिकल रीजन की वजह से भी जेल से बाहर निकाल ही सकती थी। पानी पीने आई थी ना, पी लो नहीं तो चक्कर आ जाएगी। कल्याणी, हमारा शक बिल्कुल ठीक था। कौन सा शक? अथर्व और कल्याणी मिले हुए हैं, मेरा मतलब वो संपदा और अथर्व मिले हुए हैं, उन्हीं का प्लान था ये सब।